हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मेरी भी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक हो रही है, क्योंकि मैं भी अभी टैबलेट वगैरह ले रही हूँ। और ना ठंडियाँ बहुत है यार, ठंडी बहुत है। मतलब यहाँ पर तो मेरे मतलब हमारी सिटी में तो मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी ठंडी। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब सहन नहीं होती इतनी ठंडी है। और यूपी वगैरह साइड में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती होंगी। और मुझे ज़रूर बताना कोई अगर यूपी से मुझे देख रहा हो तो, उस साइड में दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्योंकि मैं रही हूँ यूपी में, इसी वजह से मुझे पता है। हम लोग बरेली में थे, यूपी के बास बरेली में, तो इसी वजह से हम लोगों को पता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर ना हम लोग, आप लोगों को पता ही है, पिछले ब्लॉग में हमने पौधे लाए थे ये वाले नर्सरी से। और ये मतलब आपने देखे ही होंगे इतने सारे पौधे लाए थे, और वो ही हम लोग अभी लगाने वाले हैं। तो वही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी मतलब कौन सा पौधा कहाँ पे लगाने वाला है, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, मतलब इतना ये मतलब गार्डनिंग की वगैरह मुझे नहीं है आइडिया। बट वो जो पड़ोस की दीदी है, जिसको जिनको हम लोग लेके गए थे, मतलब भैया और दीदी को, तो दीदी को थोड़ा सी आइडिया है, तो इसी वजह से उनको हमने बुला लिया था घर पे। और वही डायरेक्शन दे रही है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे लगाओ, वो चीज़ यहाँ पे लगाओ, ऐसे करके। और फिर और गुलाब के पौधे भी लाने हैं हमें, बट गुलाब के पौधे उस दिन अच्छे नहीं मिले, तो इसी वजह से एक ही गुलाब का पौधा लाया था। बाकी के गुलाब के पौधे भी लाने हैं। पिछली बार ना इतने सारे गुलाब के पौधे, पाम के पौधे और काफ़ी सारे मतलब पौधे लाए थे हम लोगों ने, वो बट वो ना इसमें जल गए थे समर में, क्योंकि उनको धूप नहीं ज़्यादा चाहिए। गुलाब के पौधों को तो धूप ज़्यादा चाहिए, बट उसके क्या बोलते हैं तो पाम के पौधों को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, तो इसी वजह से वो जल जाते हैं। तो इसी वजह से वो जल गए थे। तो इस बार ना पाम वगैरह के कुछ भी नहीं लाए हैं, तो ये फ्लावर्स के लाए हैं सारे पौधे हमने, और थोड़े से शो के लाए हैं। तो ये सारे पौधे अभी लगा देंगे हम लोग। मतलब ये इनको मैं बता रही हूँ, सिर्फ ये बोल रहे थे कि पहला पौधा आपके हाथों से लगा, तो ये मैंने कॉर्नर में ये वाला पौधा लगा दिया था। इसे गुड़हल का पौधा बोलता है, गुड़हल का फूल जो होता है, लेकिन वो ये वाला ऑरेंज कलर का गुड़हल का फूल था इसको। तो ये वाला गुड़हल का पौधा मैंने यहाँ पे लगा दिया था, और दो गुड़हल के पौधे लगा मतलब लाए थे इस बार। जो आपको नीचे दिख रहा है पिंक कलर का गुड़हल का फूल है उसे, तो वो भी, और ये ऑरेंज कलर का फूल। तो यहाँ पर खाद वगैरह वहाँ से ही लेके आए थे नर्सरी से, तो ये वाला पैकेट में खाद है, तो ये वाला वहाँ पर डाल रहा है वो। और अभी खाद वगैरह मेजरमेंट उन्होंने पूछ लिया था उनसे कि कितना मेजरमेंट डालना है क्या है, तो ऐसे करके हम लोग फिर लगा देंगे ये सारे पौधे। और फिर हम लोगों को गुलाब के पौधे भी लाने हैं, तो बस यही करके ऐसे करके हम लोग पहले ये वाले पौधे लगाएंगे। फिर गुलाब के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ दी थी यहाँ पर, मतलब एक पौधा लगाया एक पौधे के लिए जगह छोड़ दी थी, तो ऐसे करके गुलाब के लिए भी पौधा छोड़ मतलब जगह छोड़ दी थी, पौधा छोड़ दिया था बोल रही थी, जगह छोड़ दी थी। और ना वहाँ पर आप देख सकते हो इनके साइड में पुदीना कितना सारा बहर गया है, मतलब बहुत फैल गया है वो। तो इसी वजह से मतलब चटनी वगैरह करने के लिए घर का ही पुदीना मिलता है, ज़्यादा बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर गुड़हल का दूसरा पौधा लगा देंगे, ये वाला। इस पे गुलाब का मतलब गुलाब का बोल रही हूँ, ये पिंक कलर का फूल है। मैं आज क्यों ऐसे बहकने जैसी बातें कर रही हूँ पता नहीं। तो ऐसे करके ये लगा देंगे अभी। और ना ये दोपहर का टाइम था, दोपहर में हमने लगाया था। और इसके बाद ना मुझे इतना ज़्यादा फीवर चढ़ गया था, यहाँ पर मैं खड़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और यहाँ पर मैं खड़ी रह मतलब थोड़ी देर खड़ी थी, और इतना ज़्यादा फीवर चढ़ गया था। फिर मैं अंदर चली गई थी, इन्होंने सारे पौधे लगा दिए थे, और अंदर चली गई थी मैं। इतना मतलब मुझे इतना फीवर चढ़ गया था, ठंडी और फीवर, और पता नहीं मुझे क्या हो गया था एकदम से। तो मतलब इनको मैंने बताया ही नहीं, अंदर चली गई और ऐसे सो गई थी। तो फिर ये सारा काम निपट के अंदर चले आए थे, तो उसके बाद फिर मतलब सारा काम इनका ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये अंदर चले आए थे। तब इनको पता चला कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो रात को फंक्शन था, रात को पड़ोस में ना उस दिन आपने देखा होगा बर्थडे के दिन, वो जो दीदी थी जिन्होंने वो वड़ा बनाया था, सांभर वड़ा, तो उनके यहाँ पे फंक्शन था। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी दी थी क्रिसमस की, तो इसी वजह से क्रिसमस की पार्टी उनकी तरफ थी, और देसी स्टाइल में पार्टी की हमने। मतलब
बोलते हैं हमारी साइड में रोड़गा पार्टी, तो वो वाली की मराठी में रोड़गा पार्टी ज़्यादा फेमस है। मतलब वो आपको दिखाई दूंगी मैं बाद में किस तरह से बनाया जाता है, क्या करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने किया फिर बाद में, और पहले ये ऐसे पौधे लगा देंगे यहाँ पर, ये रोड़गे बन रहे हैं। तो इस तरह से आटे के बनते हैं गोल गोल करके, इस तरह से पपड़िया पपड़िया करके ऐसे बनाई जाती है, और उसको सिर्फ एक एक करके उसमें राउंड राउंड करके बनाया जाता है। तो उसको ऐसे मतलब सारी छोटी 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 पपड़ियाँ एक दूसरे में लगाई जाती है, जैसे हम लोग लच्छा पराठा जैसे बनाते हैं उसी टाइप का होता है ये, बट ये गोल गोल करके ये इसमें सेकते हैं। वो वाली जो आग दिख रही है आपको, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा मीन्स क्या बोलते हैं, उसको आग बंद होने देंगे, उसके बाद उसमें सेकेंगे वो कोयले में उसे। तो इस तरह से सेका जाता है वो वाला रोड़गा। और यहाँ पर सारी सब्जियों की वगैरह तैयारी हो गई थी, तो पहले मैं नहीं थी, मतलब पहले मैंने टैबलेट लेके मैं सो गई थी सॉरी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मैं ही शूट कर रही हूँ ये वाला, तो पहले जो रोड़गा वाला शूट किया था उस टाइम मैं नहीं थी, माही ने शूट किया था वो वाला। तो अभी मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो, यहाँ सभी लोग बोल रहे थे कि रेस्ट करो रेस्ट करो, बट मैं मुझे मेरा मन नहीं करता अकेले घर में रहने का, तो इसी वजह से मैं बाद में आ गई थी। और मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की बाद में, तो यहाँ पर ना टमाटो वगैरह काट के रखे थे सब्जियों के लिए, तो अभी बार बार टोमेटो ही खा रहा था, तो मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। माही अद्विक की शैतानियाँ देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं अद्विक की शैतानियाँ आपको दिखाती हूँ। और ये ना यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पौधे अच्छे अच्छे लगाए हैं, मतलब गुलाब के वगैरह, गुलाब अलग अलग वैरायटी के उनके यहाँ पे हैं, तो वो भी मैं दिखाना चाहती थी आपको। काफ़ी सारे पौधे हैं उनके यहाँ पर, तो इसी वजह से मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है दाल का, और वहाँ पर वो रोड़गे के लिए बन रहा है। यहाँ पर मतलब सारे चूल्हे में ही बनाया था, सारी चीज़ें चूल्हे में ही बनाई थी। हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे गैस है, मतलब वो वाला सिगड़ी है एक सिंगल वाली, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वो इन्होंने लाई थी, बट उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। बोल रहे थे कि सारे चूल्हे का जो खाना होता है बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है, तो इसी वजह से आज हम लोग चूल्हे पर ही बनाएंगे सारा कुछ। बट मुझे ना चूल्हे पर मतलब मुझे तो आता ही नहीं एक्चुअली, बट मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी बीच बीच में कर रही थी, और ये भी हेल्प कर रहे थे, ये भी काफ़ी देर से आ गए थे, मतलब मुझे टैबलेट वगैरह देख के ही ये आ गए थे, क्योंकि एक तो होना चाहिए हेल्प करने के लिए हमारे घर से, तो इसी वजह से ये आ गए थे। और सभी लोग मिलके करते हैं ना, तो इनको भी अच्छा लगता है, मतलब साथ में कॉलोनी वाले मिलके करते हैं तो, और मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली। बट मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से मतलब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, बट बाद में जब टैबलेट वगैरह ली उसके बाद अच्छा लगा, तो उसके बाद मैं आ गई थी। और यहाँ पर अद्विक भी बीच बीच में कर रहा था, बट उस पर ध्यान देना ज़रूरी था, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था उसका। यहाँ पर मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। ये ना इसकी आग ख़त्म हो जाने पहले बहुत खौलने देता है इसकी आग, और फिर इसकी आग पूरी बंद हो जाने के बाद फिर इसमें वो रोड़गे सेकते हैं। तो इस तरह से होता है, किस किस मतलब किन किन के साइड में होता है ये मुझे ज़रूर बताना, कौन कौन ऐसे बनाता है, मतलब हमारी साइड में महाराष्ट्र में ही होता है या दूसरे साइड में भी करते हैं इस तरह से रोड़गे बनाता है, तो रोड़गों को क्या बोलते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। और शायद मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही होता होगा ये, बट आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि आपकी साइड में होता है या नहीं। और यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी भी बना रहे थे, तो दीदी को मैंने बोला था कि मैं बनाऊँ क्या, बट दीदी बोल रही कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप रेस्ट करो, मतलब थोड़ी देर ऐसे ही रहो। तो इस तरह से डेकोरेशन किया था, तो मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन किया था बच्चों ने। मतलब उनके बच्चे यहाँ पे नहीं रहते हैं, मतलब कोई पढ़ाई के लिए कोई जॉब के लिए, मतलब दो बच्चे हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी दोनों भी बच्चे। तो उनके दो एक बेटा है और एक बेटी है, बड़े बड़े हैं। एक जॉब करती है बेटी हैदराबाद में, और वो बेटा जो है वो किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए हैं, तो इसी वजह से वो दोनों ही रहते हैं, तो बच्चे आ गए थे, तो इसी वजह से उन्होंने पार्टी दी थी कि चलो बच्चों को अभी एंजॉय हो जाएगा और हमारा भी एंजॉय हो जाएगा, तो इसी वजह से। और न्यू ईयर पे वो बच्चे नहीं रहेंगे, न्यू ईयर पे अपने अपने जगह चले जाएंगे, तो इसी वजह से उनको लगा कि चलो क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अद्विक थोड़ा सा डांस कर रहा था, मैं अंदर आ गई थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि अंदर जाके बैठो, तो मैं अंदर आ गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कैप्चर कर रही थी, कैप पहन पहन के बच्चे थोड़ा सा डांस कर रहे थे। तो और यहाँ पर अद्विक तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, कोई भी फंक्शन में अद्विक बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और आगे मैं आपको डांस दिखा देती हूँ उनके दोनों बच्चों का, मतलब बेटा और बेटी का। अच्छा।
पर बच्चों का डांस हो जाने के बाद सब लोगों ने डांस किया, और यहाँ पर मैं आपको गाना नहीं सुना सकती गाइस क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसी वजह से। और यहाँ पर ये दीदी क्या पहन के आ गई थी, तो इसी वजह से हम लोग इनके भी मजाक उड़ाए थे बहुत, और इसके बाद हम लोगों का डांस हो गया। काफ़ी देर तक सारे लोगों ने डांस किया, उसके बाद वो इतना डांस तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, काफ़ी सारा कैप्चर किया था मैंने, बट इतना ज़रा आप देखोगे तो फिर बोर हो जाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग फिर पकौड़े तलने के लिए बैठ गए थे, तो वो दीदी ने मुझे बोला था कि आप मत तलो क्योंकि आपको जुकाम, मतलब वो है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके तेल के पास बैठोगे तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी, तो इसी वजह से। और यहाँ पर सेंटा आ गए थे, बच्चों ने उनके पापा को सेंटा बना दिया था, और ये छोटा सेंटा हमारे यहाँ का, तो ऐसे करके ये दोनों सेंटा और उनकी बेटी ने मिलके सारे लोगों ने केक कट किया था। फिर तो वहाँ पर मतलब यहाँ पर अद्विक को भी खड़ा कर दिया था सब लोगों ने, और अद्विक को ना, मतलब अद्विक केक वगैरह कट करने का तो आपको पता ही है, अद्विक को बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसी वजह से वो देख रहा था कि मुझे केक कट करने के लिए मिलेगा या नहीं, बट इस बार उसने ज़िद नहीं की ज़्यादा, और सब लोग वो चॉकलेट्स की तरफ देख रहा था सिर्फ, कि चॉकलेट्स का पैकेट लेके आया था सेंटा, तो इसी वजह से वो सिर्फ चॉकलेट की तरफ देख रहा था कि चॉकलेट कब मिलेंगे, उसको आज केक कट करने का इतना ज़्यादा नहीं था। काफ़ी सारे चॉकलेट खाए थे अद्विक ने उस दिन, इतना ज़्यादा, मतलब चॉकलेट थोड़े से खा रहा था, चूस रहा था और फेंक दे रहा था, इतने सारे चॉकलेट्स खाए उसने। और बस अभी, और जो छोटा सांटा है उसको वो जो पोटली पहना दी है, मतलब जो बैग पहना दी है, उसमें भी चॉकलेट्स है, वो बाद में चॉकलेट्स बांटेगा। और यहाँ पर हो रहा है क्रिसमस का केक कट, और केक भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और यहाँ पर हम लोगों ने किसी ने भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा था, मतलब ये वाले प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, तो क्रिसमस वाले, अभी पता नहीं न्यू ईयर के प्रोग्राम में करेंगे शायद कंट्रीब्यूशन, बट इस वाले प्रोग्राम में उनकी तरफ से था ये सारा कुछ। तो अभी देखिए उनकी बेटी उनको खिला रही थी, तो सेंटा का मुँह भी नहीं दिख रहा था दाढ़ी की वजह से सेंटा के, तो और बाद में मूंछ भी निकल गई थी सेंटा के, हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि मुँह भी तो नहीं दिख रहा है और मूंछ भी बाद में निकल गई थी केक खिलाने के टाइम। और यहाँ पर सेंटा फिर बांट रहे थे, और ना इसका बर्थडे था, तो ये कीर्तना का बर्थडे था उस टाइम, कीर्तना नहीं आई थी, तो इसी वजह से सब लोग उसको बर्थडे का केक समझ के भी खिला रहे थे, तो ऐसे करके सब लोगों ने फिर केक खिलाया उसे भी, क्योंकि क्या हुआ था कि उसका जब बर्थडे था तो उस टाइम वो नहीं आ पाई थी, वो जॉब करती है इसी वजह से। और यहाँ पर मेरा फेस देखिए, मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं किया था, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, और वैसे ही चली आई थी मैं। तो सेंटा सभी को काफ़ी सारे चॉकलेट्स बांट रहे थे, तो हम लोग हंस भी रहे थे, और बाद में सेंटा की मूँछ निकल गई थी, आप देख सकते हो सेंटा की एक तरफ से मूछ निकल गई है, फिर भी बच्चों को मज़ा आ रहा था, और बच्चों ने और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन। और उसके बाद ना हम लोगों ने गेम्स वगैरह खेले, पहले मतलब जो एजेड है, मतलब जो क्या बोलते हैं मम्मी पापा है, मतलब सबके, तो उनको खाना खिला दिया था, और बच्चों को भी भूख लगी थी, तो इसी वजह से बच्चों को भी उनके साथ ही खाना खिला दिया था। और यहाँ पर इस तरह से हमारे साइड में खाना, मतलब वो करते हैं पातरवाड़ी में, तो इस तरह से खाना खिला दिया था। और उसके बाद ना फिर बच्चों के गेम्स खेले थे, मतलब कीर्तना को बहुत ही ज़्यादा शौक है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाती है वो, और बड़ों के साथ बड़ी बन जाती है, तो इसी वजह से वो मतलब सबका ध्यान रखती है ऐसे करके सबको, मतलब उसने गेम्स वगैरह भी रखे थे उसके घर में, और पहले ही डिसाइड किया था उसने कि यही गेम्स खेलेंगे, बट बारिश हो गई थी, तो इसी वजह से काफ़ी सारे गेम्स स्पॉइल हो गए थे, तो इसी वजह से घर के ही अंदर उसने गेम्स खेल, मतलब बच्चों को मतलब खिलाए। और यहाँ पर फिर हम लोग लेडीज़ भी म्यूजिकल चेयर खेल रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद जेंट्स का हुआ, उसके बाद माही, यहाँ पर माही सारी चीज़ों में हार रही थी, तो इसी वजह से हम लोग मजाक उड़ा रहे थे माही का। फिर मतलब उसकी एज के जो बच्चे हैं, मतलब बड़े हैं, तो उनका हुआ, और उसके बाद जेंट्स का हुआ, तो इस तरह से सारे लोगों कि म्यूज़िकल चेयर का प्रोग्राम, मतलब वो ये क्या बोलते हैं गेम हुआ, म्यूज़िकल चेयर हुई। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हो रहा था यहाँ पे, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था मुझे कि मेरी तबीयत ख़राब है करके। और यहाँ पर फिर उसके बाद ना
हम सब लोग मतलब म्यूजिकल चेयर खेलने के बाद सारे लोगों का मतलब वो होगा, और इसके बाद यहाँ पर कीर्तना जीतेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर जीत गई है वो, और माही उधर गाना बंद कर रही थी देख देख के। और यहाँ पर ये कीर्तना के मम्मी पापा हैं, मतलब यहाँ पर उनको मतलब वो भी डांस कर रहे थे जिनके यहाँ पे प्रोग्राम था, वो भी मतलब अजीब अजीब डांस कर रहे थे सभी लोग, मतलब थोड़ा सा हंसने के लिए थोड़ा सा एंजॉय होने के लिए सारे अजीब अजीब से डांस कर रहे थे। और ये उनका बेटा है रेड शर्ट वाला, ये भी काफ़ी कॉमेडी है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस कर लेता है। दोनों भी जो बच्चे हैं उनके वो काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं, बट बहुत ही कॉमेडी कर रहे थे। और यहाँ पर और बच्चों का गेम था ये लेमन एंड स्पून वाला, तो ये भी खेला। इसके बाद फिर उसके बाद ना मतलब जो जो जीते उनको प्राइज़ भी दिया था कीर्तना ने। और उसके बाद क्या बोलते हैं तो ये एक मतलब वो रूल्स बता रही है सारे गेम्स के, ये बड़ों का गेम है और सारे बड़े मतलब जो जेंट्स है वो क्या बोलते हैं बलून फुला के देंगे, उसको गांठ वही बांधेंगे, और सिर्फ हमें लेडीज़ को क्या करना है उसे चेयर पे रखना है और वो हमें फोड़ना है। आप देख लोगे आगे किस तरह से फोड़ेंगे हम लोग, तो इस तरह से फोड़ना है। पहले वो लोग बोल रहे थे कि गांठ लेडीज़ बांधेगी और वो फोड़ेगी, तो फिर बाद में उन लोग बोला कि जब तक लेडीज़ गांठ बांधेंगी और फोड़ेगी तब तक तो इनका गुब्बारा फूल जाएगा, तो ऐसे करके ये काफ़ी मतलब जीत जाएंगे सभी लोग, तो ऐसे करके मतलब गांठ भी उनको ही बांधना है। तो वो फिर मुझे दे रहे थे और हम लोग इसमें जीत गए थे, मतलब इन्होंने काफ़ी फास्ट फास्ट मुझे बना के दिया और मैंने काफ़ी फास्ट फास्ट फोड़े, तो इसी वजह से हम लोग इसमें जीत गए थे। बट क्या हुआ था कि जो पड़ोस की दीदी है मतलब आपके साइड में दिखी जाएगी बाद में, उन्होंने ना चेयर तोड़ दी थी, मतलब बैठ बैठ के जोर जोर से तो चेयर तोड़ दी थी, तो इसी वजह से उसके बाद हम लोगों ने उनको प्राइज़ दिया वही चेयर टूटी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टूटी हुई चेयर उनको प्राइज़ दिए जा रही है, मतलब हम लोग सभी लोग उनको प्राइज़ दे रहे हैं ये वाली, क्योंकि हम लोगों ने चेयर तोड़ी है इसी वजह से ये टूटी हुई चेयर इनको प्राइज़ दी जा रही है। और बस यहाँ पर ही इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ गाइज, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और हम लोगों ने जैसे एंजॉय किया मतलब उस तरह से आपको देख के एंजॉय आपने किया होगा। और हाँ, मैं आपसे इस ब्लॉग में बिल्कुल बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैं आपसे मतलब स्टार्ट भी नहीं कर पाई ब्लॉग को और एंड भी नहीं कर पाई। तो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय काफ़ी किया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप व्लॉग तो देखते हो बट लाइक करना भूल जाते हो यार, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो व्लॉग लाइक ज़रूर कर दिया करो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।